हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं एसक्यूएलआईटी डेटाबेस का जो क्रड ऑपरेशन, उसका लास्ट ऑपरेशन जो कि हमारे पास है डिलीट ऑपरेशन। तो डिलीट ऑपरेशन करने के लिए मैंने मेन एक्टिविटी के लेआउट में सबसे पहले ये चेंज किया कि हमारे पास यहाँ पर एक एडिटिक्स लगाया है। एडिटिक्स का ये काम है कि यहाँ पर हम कोई नेम एंटर करेंगे, जिस नेम के अगेंस्ट वो चेक करेगा कि ये नेम जो है हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। अगर वो हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, और ये डिलीट का बटन के क्लिक लिसनर पर ये काम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं आपको सबसे पहले चले जाता हूँ मेन एक्टिविटी, जो चीज़ मैंने बताई है। तो ये लेआउट है जो कि मैंने ऐसे चेंज किया, और जो एडिट टेक्स्ट है उसका की मैंने रखी हुई है, उसके लिए इनपुट नेम डिलीट, और जो बटन है उसके लिए btn डिलीट नाम रखा हुआ है, सॉरी ID रखी हुई है। मेन एक्टिविटी में जाता हूँ तो सबसे पहले जैसे कि हम चलते आ रहे हैं, इनिट व्यूज़ का फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर सबसे लास्ट पे मैंने इन दोनों को यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया है, जो कि मस्ट है, अदरवाइज़ नल पॉइंट एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पर हम डिलीट btn डिलीट का सेट ऑन लिसनर जो है कॉल करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये क्लिक लिसनर करने से पहले हम क्रड हेल्पर के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर ये जो डिलीट रिकॉर्ड का जो फंक्शन है इसको हम जो है अब लिखते हैं, इसका जो कोड है वो हम राइट करते हैं। ये जो फंक्शन है ये बिल्टन नहीं होता, ये हमारे पास मैंने खुद यहाँ पर राइट किया, जैसे कि हमारे पास ये बाकी अपडेट का, इंसर्ट का और रीड का जो मेथड्स हैं जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, उसी तरह मैंने यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड का मेथड क्रिएट किया है। तो मेथड हम उसी तरह जैसे एक इंसर्ट और बाकी ऑपरेशंस हम कर रहे थे, उसी तरह एसक्यूएलआईटी डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम डिलीट का मेथड कॉल करेंगे, और उसके साथ हम इसके आर्गुमेंट्स चेक करते हैं। तो कंट्रोल पी प्रेस करके मुझे ये पता चलेगा, इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं कर्सर को ले जाऊंगा और कंट्रोल पी प्रेस कर लूँगा, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि इसके आर्गुमेंट कौन कौन से। तो आर्गुमेंट्स में सबसे पहला आर्गुमेंट है टेबल नेम, सेकेंड वेयर क्लॉज, और थर्ड आर्गुमेंट वेयर आर्गुमेंट्स की एरे लिस्ट। ठीक है, जैसे कि हम अपडेट में कर रहे थे, इंसर्ट में कर रहे थे और रीड में कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई पिछली वीडियोस में, ये डिटेल में कवर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो टेबल नेम है, तो टेबल इन्फो डॉट tv नेम, तो टेबल नेम यहाँ से पास हुआ। वेयर क्लास के अंदर मैं बाई नेम डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉल टू, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेबल इन्फो की जो क्लास है वहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें हमने ऑलरेडी ये वेरिएबल्स जो है डिफ़ाइन किए हुए, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग्स, वहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो आप हार्ड कोडेड एग्जैक्ट यही std नेम एग्जैक्ट इसी तरह ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर जिस पैटर्न के अंदर ये सेव है ये डेटा, उसी पैटर्न के अंदर आपने जो है इसको इंसर्ट, डिलीट और रीड वगैरह कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट ये जो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स है ये आपको लिखनी पड़ेंगी। तो मैं हार्ड कोडेड स्ट्रिंग के बजाय यहाँ पर कॉल टू लिखूँगा, तो वो डिनोट करेगा स्टूडेंट नेम को, std नेम को। तो कॉल टू मैंने एंटर कर लिया, और इसके साथ मैं लिखूँगा प्लस इक्वल और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास वेयर क्लॉज की जो है हमारे पास इसका सिंटैक्स है, जो कि पिछली वीडियो से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अगर आपने वेयर क्लॉज यूज़ करना तो आप ऐसे यूज़ करेंगे कि आप टेबल का, सॉरी टेबल कह रहा हूँ, कॉलम का नेम बताएंगे कि कौन से कॉलम को आप जो है चेक करना चाहते हैं, और आगे इक्वल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर अगला जो आर्गुमेंट है हमारे पास वेयर आर्गुमेंट्स है, तो ये एक स्ट्रिंग की एरे है, तो न्यू स्ट्रिंग एरे बनाऊँगा मैं, और इसमें मैं पास कर दूँगा नेम, जो नेम मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये नेम मौजूद है तो उसको डिलीट किया जाए, अदरवाइज़ डिलीशन नहीं होगी। तो ये नेम मेरे पास कहाँ से आएगा? तो सेम जैसे मैंने अपडेट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए किया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में मेरे पास आर्गुमेंट के तौर पर यहाँ पर नेम पास होके आएगा, तो वो नेम मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। और अगर मैं इसी की डॉक्यूमेंटेशन पर जाता हूँ, इस पर कंट्रोल की प्रेस करके इस पर डिलीट कर, सॉरी डिलीट के क्लिक कर दूँ, तो मेरे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी मुझे एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, जस्ट लाइक अपडेट की तरह। तो ये क्या कर देगा, जितनी रोज़ अफेक्टेड हुई है कि कितनी रोज़ डिलीट हुए हैं उनका नंबर बताएगा कि इतनी रोज़ डिलीट हुई है। अगर कोई भी रो डिलीट नहीं होती, लेट्स से हमारे पास वो यूज़र नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता उस टेबल के अंदर, तो हमारे पास ज़ीरो रिजल्ट आएगा कि मतलब कोई रो इफेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर हम इसको भी यूज़ कर सकते, जैसे मैंने अपडेट के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ, इंट रिज़ल्ट
क्योंकि इंटीजर रिटर्न करेगा ये, और यहाँ से मैं इसको सिंपली रिजल्ट को मैं कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है। एरर इसलिए दे रहे क्योंकि यहाँ पर रिटर्न वाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इंटीजर कर दूँगा बस। तो ये मेरा एरर जो है रिमूव हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक इंटर दे देता हूँ स्पेस थोड़ी सी, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये अलग फंक्शन है, वो ऊपर वाला अलग फंक्शन है। अब हमारा डिलीट रिकॉर्ड का जो फंक्शन था वो रेडी हो चुका है। अब हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं। मेन एक्टिविटी में जाके यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग लूँगा उस इनपुट टेक्स्ट से जो हमारे पास डिलीट के लिए मैंने बनाया है। तो इनपुट नेम डिलीट जो कि हमने की उसकी रखी थी, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में मुझे वो जो इनपुट बॉक्स है वहाँ से मुझे नेम इनपुट मिलेगा। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में सेव कर लूँगा इसको। और इसी तरीके से मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड डिलीट हुए, जितने रोज़ अफेक्ट हुई है वो मुझे मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, मैं क्रड हेल्पर का जो मेथड है, सॉरी मेथड कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट है, उसके साथ एक मेथड हम कॉल करेंगे डिलीट रिकॉर्ड का। और यहाँ पर मैं नेम पास कर दूँगा और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। मेरे पास जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं यहाँ से इसको सिंपली टोस्ट भी कर सकता हूँ। आप इसको टेक्स्ट में शो करना चाहें, जिस तरह मर्ज़ी आप जो है इसको यूज़ करें। तो मैं इसको रोज़ अफेक्टेड और आगे लिखता हूँ मैं इक्वल, और कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ रिज़ल्ट को। तो जितनी भी रोज़ डिलीट हुई है, मतलब कि मिसाल के तौर पर कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हुए, तो उसका नंबर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ और आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है। एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं रीड पे जाता हूँ कि हमारे पास रिकॉर्ड्स जो है आपको मैं दिखा दूँ। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड्स है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ अदर देन दीज नेम्स कोई नेम एंटर करता हूँ जो कि इन नेम्स के अगेंस्ट जो है रिकॉर्ड एग्जिस्ट ना करे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ए बी सी डी कोई नाम है वो एंटर कर देता हूँ। तो मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने नेम एंटर किया और डिलीट पे क्लिक किया, तो रोज़ अफेक्टेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं हुआ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, वो नेम एंटर करता हूँ जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने सॉरी मारिया जो है नेम है वो टाइप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मारिया भी है हमारे पास और अनम भी है, आतिफ भी है। अनम भी आप टाइप कर सकते हैं। अगर अनम हम इस वक्त टाइप करें तो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अनम के नेम से, जो कि फ़िलहाल दो है, तो दोनों के दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो मैं बैक जाता हूँ, मारिया को पहले डिलीट करता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे ही डिलीट करूँगा तो रोज़ अफेक्टेड इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या कि एक रो हमारे पास जो थी वो डिलीट हो चुकी है। अगर मैं रीड करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास मारिया के नेम का जो रिकॉर्ड था वो हमारे पास डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर हम जाते हैं क्रड हेल्पर के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो वेयर क्लॉज है इसके अगेंस्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली हम पास कर देंगे ऐसे करके वन, डबल कोट्स के अंदर हम वन पास कर देंगे। फिर ये हमें ये चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं, इसकी जगह पर हम सिंपली नल पास कर देंगे। ये सिलेक्शन आर्गुमेंट्स हमारे पास ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम सारे का सारा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, पूरे के पूरे टेबल का। तो अगर हम ये क्यूरी अब रन करें तो हमारे पास जितना भी हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ एक दफ़ा कि ये वर्क करता है या नहीं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन दोबारा रन हो चुकी है। नेम बेशक आप ना भी इंटर करें तो हमारे पास क्या हो जाता है कि मैं जैसे ही डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं रोज़ अफेक्टेड इक्वल टू थ्री, जो हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स थे डेटाबेस के अंदर, तीनों के तीनों डिलीट हो गए। अब मैं अगर रीड पर जाता हूँ तो हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीट का जो ऑपरेशन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास जो एसक्यूएलआईटी की क्रड हेल्प क्रड ऑपरेशन थी वो हमारे पास डिलीट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने क्रिएट को भी काफ़ी डिटेल में कवर किया, रीड को बहुत ही डिटेल के साथ कवर किया क्योंकि उसके साथ कई सारे सिनेरियो थे वो भी मैंने कवर किए, अपडेट को भी मैंने कवर किया पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने डिलीट को कवर किया, ठीक है। और इस तरीके से मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि एक और चीज़ यहाँ पर ये जो वेयर क्लॉज है, आप सिंपल ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप ऐसे यूज़ करेंगे कॉल टू प्लस और फिर आप ऐसे करेंगे कि ऐसे करके आप इक्वल और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसकी जगह पर आप ये भी कर सकते हैं
जैसे कि आप करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने एसक्यूएल में ये पढ़ा होगा कि आप अगर चाहते कि केस सेंसिटिव ना हो, हमारे पास फ़र्ज़ करो एक नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, मिसाल के तौर मारिया एम कैपिटल से स्टार्ट हो रहा था, तो अगर हम यहाँ पर इनपुट करते वक्त स्मॉल लेटर से इनपुट करें तो अगर ये वाली क्यूरी हम यूज़ करते इक्वल वाली तो एग्जैक्ट उसी तरह के लेटर्स पे मुश्तमिल हो तो तभी वो डिलीट होता है। अगर हम ये वाला जो है सिंटैक्स फॉलो करें लाइक वाला, तो इससे क्या है कि हमारे पास जो केस सेंसिटिविटी है वो हमारे पास इनेबल नहीं होती, वो इन केस सेंसिटिव बन जाता है। इन केस सेंसिटिव मीन कि वो क्या हो जाता है, केस सेंसिटिविटी हमारे पास नहीं होती। अगर हम स्मॉल में एंटर करें या लार्ज कैपिटल कैप्स में एंटर करें वो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन मस्ट है कि वो लेटर्स वो हो। जैसे मिसाल के तौर पर मारिया एम ए आर आई ए है, तो ये मैटर पर नहीं करेगा कि एम कैपिटल है या एम स्मॉल है या इस तरह कुछ। तो ये चीज़ आप ट्राई कर लें और फिर मुझे बताएं कि ये चीज़ होती है या किस तरह वर्क करती है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक बताने का पर्पज़ ये था। और हाँ, ये चीज़ सिर्फ डिलीट के साथ नहीं, यहाँ पर अपडेट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट के साथ भी आप यूज़ करते हैं, रीड के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं तो वेयर के अंदर ऐसे भी यूज़ करते हैं लाइक के साथ, और इक्वल टू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपकी मर्ज़ी हो या रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और एसक्यूएलआईट की एक बेसिक एप्लीकेशन जो है बना के देखेंगे, जिससे आप लोग की जो प्रैक्टिस है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी इस एसक्यूएलआईट पे। वहाँ पर मैं एसक्यूएलआईट को बेसिकली सिर्फ जो है यूज़ करना बताऊँगा, ये नहीं बताऊँगा कि वहाँ पर जो है एसक्यूएलआईट में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कैसे नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि यूजेज मैंने ये एक प्लेलिस्ट बनाई है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। वहाँ पर हम सिंपल इसको रियल वर्ल्ड एक एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एप्लीकेशन में इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।